नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है कुमार गौरव और आप देख रहे हैं टेक विद केजीएस। दोस्तों वैसे तो मैं डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन सेलिंग और टेक के ऊपर अपनी वीडियोस बनाता रहता हूं। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लाइमरोड के बारे में। अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं तो लाइमरोड को आप एक एडिशनल प्लेटफॉर्म कंसिडर कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों ऑनलाइन सेलिंग मल्टीपल प्लेटफॉर्म का बिजनेस है, इसमें आप किसी एक प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ करके ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको अपने बिजनेस को मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आना ही पड़ता है। मैं भी कई मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर बिजनेस करता हूँ, जैसे कि स्नैपडील, अजियो, Shop 101, मीशो, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन सब पे मैं बिजनेस करता हूँ। और इनमें से काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में मैं अपने चैनल के ऊपर बता चुका हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जा करके उन प्लेटफॉर्म्स की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और दोस्तों आगे चल करके मैं और भी प्लेटफॉर्म्स के बारे में वीडियोस बनाऊंगा, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना करें। पर दोस्तों आज का टॉपिक लाइमरोड है और आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि लाइमरोड के ऊपर आप अपना सेलर रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस समझेंगे और साथ ही साथ मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनको जाने बिना अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, सारी डिटेल में हम बात करेंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। और दोस्तों किसी भी प्लेटफॉर्म पे एज अ सेलर रजिस्टर करने के लिए आपको ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, तो मेक श्योर कि आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी कर लें, जैसे कि आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन, आपका GST, आपकी कंपनी का पैन कार्ड, आपकी कंपनी का टैन और ये जितने भी डिटेल्स जो आपकी कंपनी से रिलेटेड हैं, ये सारी डिटेल्स अपनी रेडी कर लीजिए। दोस्तों वैसे तो मेजर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, इन सब पे जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ये ऑलमोस्ट सेम ही है। इनमें आपको इनकी वेबसाइट पे जाना होता है और वेबसाइट पे जा करके इनके सेलर पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, अपनी सारी डिटेल्स डालनी होती है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होते हैं और आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे आपको उनकी तरफ से मेल आती है, अप्रूव हो जाता है और आप लॉगिन करके अपनी सारी डिटेल्स, अपने प्रोडक्ट्स वगैरह डाल के बिजनेस कर सकते हैं। बट दोस्तों लाइमरोड में थोड़ा सा अलग है, बिकॉज इनकी जो वेबसाइट है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। आप जनरली जब आप इस पर साइनअप करने के लिए जाएंगे, जब आप एज ए सेलर रजिस्टर करना चाहेंगे तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इनकी वेबसाइट कई बार काम ठीक से नहीं करती है और काफ़ी क्लैरिटी नहीं मिलती है कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। तो दोस्तों ऐसे में आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले तो अपने ईमेल आईडी से एक मेल भेजना है लाइमरोड को, उनको seller@limeroad.com पे एक मेल करना है जिसमें आपको मेंशन करना है कि आप उनके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, आप एज ए सेलर उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो आप पूरा प्रोसेस समझाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आप साथ में अटैच करके भेज सकते हैं ताकि थोड़ा प्रोसेस जल्दी हो जाए। उसके बाद लाइमरोड आपको एक मेल करेगा जिसमें वो अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन जो भी उनको रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें मेंशन होंगी। एक एक्सेल शीट होगी जिसके अंदर आपको अपने बिजनेस की सारी डिटेल्स भरनी होगी। एक MOU अटैच होगा जो एक तरीके का अग्रीमेंट ही होता है, इसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं और इसमें उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। बट दोस्तों इस मेल में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन होगी जिसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है और बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इसमें वो आपको कुछ ऑप्शंस देते हैं आपकी कैटेगरी के हिसाब से, जिस भी कैटेगरी में आप बिजनेस करेंगे उस कैटेगरी के हिसाब से इनका जो मार्जिन स्ट्रक्चर रहता है कि ये कितनी फीस लेंगे, कितना कमीशन लेंगे, उसका स्ट्रक्चर मेंशन होता है और उस स्ट्रक्चर के तीन मॉडल्स मेंशन होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी कैटेगरी के लिए ये मॉडल्स मेंशन थे, आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको इन तीनों मॉडल में से किसी एक मॉडल को चुनना होता है। इन मॉडल्स को आपने ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है और आपको समझना है कि कौन सा मॉडल आपके लिए बेस्ट होगा, किस मॉडल को चूज करने से आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। और दोस्तों ये मॉडल चेंज होते रहता है तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों ये जो मार्जिन स्ट्रक्चर है ये जनरली मेजर प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, पेटीएम है, इन सब पर न्यू सेलर के लिए उस पर्टिकुलर कैटेगरी को लेकर के बिल्कुल सेम रहता है। बट यहाँ लाइमरोड पे आपको अलग अलग मॉडल्स मिलते हैं और इन मॉडल्स में आपको किसी एक मॉडल को चूज करना होता है। और दोस्तों इसी मेल पे आपको रिप्लाई कर देना है विद योर डॉक्यूमेंट्स और जो भी मॉडल आप चूज करते हैं वो मॉडल मेंशन करके आपको इनकी मेल पे रिप्लाई कर देना है। और दोस्तों आपकी मेल भेजने के बाद लाइमरोड उस मेल को प्रॉपरली चेक करता है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने के बाद आपको रजिस्टर कर देता है और आपको एक लॉगिन क्रेडेंशियल भेज देता है, आपका आईडी और आपका पासवर्ड आपकी मेल के ऊपर। आपको उस आईडी और पासवर्ड के साथ लाइमरोड के ऊपर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से डैशबोर्ड दिखेगा अपना और इस डैशबोर्ड में आपको सबसे पहले जाना है अपने माई प्रोफाइल पे और वहाँ पर
जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस दिखेंगे और इनको आप अपडेट कर लेंगे। और दोस्तों ये सारी चीजें अपडेट करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कीजिए। लिस्टिंग करने के बाद आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं इसके ऊपर। बट दोस्तों लाइम रोड के ऊपर बिजनेस करते हुए आप कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। लाइम रोड कई बारी आपके जो भी इनकम आपकी होती है, जो भी आप यहाँ से कमाते हैं, उसमें से काफ़ी सारा पैसा जो है कई बारी ये मार्केटिंग के नाम पे कट कर लेते हैं। इसके लिए वो आपको एक मेल भेजते हैं कि वो एक पेड प्रमोशन करने वाले हैं अपने पोर्टल पे, वो मार्केटिंग करने वाले हैं आपके प्रोडक्ट्स की। और अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देते हो, इग्नोर कर देते हो, मिस कर देते हो उस मेल को, तो लाइम रोड उसको कॉन्फर्मेशन समझता है कि आप उस प्रमोशन में पार्ट लेना चाहते हैं और आपको वो पेड प्रमोशन के नाम पे फीस लगा देते हैं और आपके प्रॉफिट में से वो कट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप इन मेल्स को जरूर ध्यान रखिएगा। जब भी आपको ऐसी मेल आए तो आप उसको सोच समझ के उसके रिप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज मार्केटिंग के नाम पे ये काफी अच्छी खासी फीस कट कर लेते हैं और आपको कई बार लॉस भी होता है। और दोस्तों ये सारी चीजें समझने के लिए आपको हमेशा अपने पेमेंट्स, जो भी आपकी पेमेंट्स आती हैं, उनको रेगुलरली चेक करते रहना है। जितनी भी आपकी पेमेंट्स आएंगी आप अपने डैशबोर्ड में जा करके, पेमेंट सेक्शन में जा करके आप अपनी पेमेंट्स वगैरह जरूर चेक करते रहिएगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं मार्केटिंग फीस के ऊपर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना करके आपके सामने पेश कर दूंगा। सो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना मेरी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।